आज इस वीडियो में हम गैफी और क्रोक को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। गैफी, देखो ना, आजकल यहाँ बहुत मक्खियाँ हो रही हैं। इन्हें भगाने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। कुछ दिन पहले ही मुझे माँ ने बताया था कि इस किताब में एक कहानी है जिसमें एक लड़का मक्खियों से बहुत परेशान होता है। क्या तुमने वो कहानी पढ़ी है? नहीं, चलो वही किताब पढ़ते हैं क्रोक, शायद हमें कोई उपाय मिल जाए। हाँ बिल्कुल। कहानी का नाम है राजू की समझदारी। एक शहर था जिसका नाम था जतनपुर। वहाँ लोग बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खी को बताया। जतनपुर के पास एक कूड़ेदान था, उस पर ढेर सारी मक्खियाँ रहती थी। वो उड़कर सभी घरों में जाती और उनके घरों में रखा खाना गंदा कर देती। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे थे। अभी मैं समझा, थोड़े दिनों से मेरी तबीयत खराब क्यों है? इन मक्खियों का जल्दी से कुछ होगा क्रोक। चलो कहानी में पढ़कर पता लगाएं आगे क्या हुआ। राजू दूसरी क्लास में पढ़ता था। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारी के बारे में बताया। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। उसने घर आकर माँ को मक्खियों के बारे में बताया कि कैसे मक्खियाँ हमारे खाने को गंदा कर देती हैं और कैसे इसकी वजह से सभी लोग बीमार हो रहे हैं। वो माँ से ये भी कहता है कि हमें इन्हें घर से बाहर भगाना चाहिए। दोस्तों, आप मक्खियों को भगाने के लिए क्या करते हैं? गैफी, कहानी में आगे पढ़ते हैं और जानते हैं राजू ने मक्खियों को भगाने के लिए क्या किया। राजू बाजार से एक फिनाइल लेकर आया और उसके पानी से घर में साफ सफाई की। रसोई में खाने को ढकवा दिया जिसके कारण मक्खियों को खाना नहीं मिल पाया। 2 दिन में ही मक्खियां घर से बाहर भाग गई, फिर घर के अंदर कभी नहीं आई। अरे वाह, कितना सही सुझाव था राजू का मक्खियां भगाने का। दोस्तों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? मक्खियां घर में आकर क्या फैलाती हैं? मक्खियां घर से बाहर कहाँ रहती हैं? अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी सुनाकर अपने उत्तर उनके साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।